बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पंजाबी कढ़ी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन जाती है। सेम उसी तरीके से बनती है जैसे हम नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं, सिर्फ थोड़े से इन्ग्रीडियंट जो है इसके अंदर इजाफी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो डिश की एक पिक लेके मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे इनबॉक्स कर दें तो मैं आपके नाम के साथ उसे पोस्ट कर दूंगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। पंजाबी कढ़ी के लिए सबसे पहले आधा किलो दही लिया है मैंने, ये मैंने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो बेसन के साथ एक ही दफ़ा कर लें। इसके अंदर मैंने एक प्याज और तीन टमाटर का पेस्ट बनाया है। मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और इतने बड़े बड़े तीन स्मॉल टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता है मेरे पास, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च है और 1.5 टी स्पून इसके अंदर नमक है, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो दही के लिए मैं आधा कप बेसन इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फिर उनकी कढ़ी जो है वो इतनी खट्टी नहीं होती, लेकिन मेरा जो रेशो है वो आधा किलो दही के अंदर आधा कप बेसन है और मैं कढ़ी पतली पसंद करती हूँ तो मैं उसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती। वो भी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये राई दाने हैं काले, ये मैं 1 टीस्पून आपको दिखा रही हूँ। आधा मैं इसके अंदर शुरू में डालूंगी और आधा भगार में इस्तेमाल होगा। और ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर मेथी दाना है, ये हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे। बेसन के पकौड़े बनाने के लिए बेसन है छना हुआ 2 कप, 1.5 प्याज है, इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और आप इसे बहुत फाइन चॉप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें हैं, आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। हल्दी है 1/2 टीस्पून, कुटी पिसी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक जो है ये 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये ज़्यादा है लेकिन मैं इसके अंदर से कम ही डालूंगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून तकरीबन साबुत धनिया है, दोनों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके हम डालेंगे। दूसरी बात ये कि हम इसके जायके को और बेहतरीन बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का आलू बिल्कुल फाइन ग्रेटर के अंदर कद्दूकश करके और इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन इससे पकौड़े बहुत मज़े के हो जाते हैं। इसके भगार को तैयार करने के लिए घी भी ले सकते हैं और ऑयल भी, मैं हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून राई का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, 6 से 8 साबुत लाल मिर्चें हैं और थोड़ा सा ताज़ा कड़ी पत्ता है। ये चारों चीज़ें हम तेल में कड़कड़ा के इसके ऊपर भगार में इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले मेथी दाना डालेंगे और साथ ही आधा राई दाना डालेंगे, आधा हम भगार में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता डाल देंगे। हल्का सा 10-15 सेकेंड इसे देंगे। हम इसके अंदर ये प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही नमक मिर्चें और हल्दी भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे भूनेंगे। जग के अंदर मैंने दही ले लिया है और इसी के अंदर मैं बेसन डाल रही हूं। ये पहले से छना हुआ है, मुझे करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके लिए बता रही हूं। तो मैंने जग के अंदर बेसन और दही को डाल दिया है। अब मैं ग्राइंडर चलाऊंगी और फिर उसके बाद यही वाला जग मैं 1.5 जग अलग से भर के कढ़ी के अंदर पानी का डालूंगी। पहले ये दही और बेसन डालूंगी और उसके बाद 1.5 जग जो है ये भर के डालूंगी। तो ये जग जो है मेरे पास ये तकरीबन 1.5 लीटर का जग है। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया, आंच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा हुआ है। अब हम इसके अंदर ये दही और बेसन का मिक्सचर डालेंगे और उसके बाद यही जग हम 1.5 जग पानी का डालेंगे। पानी हमने डाल दिया इसके अंदर 1.5 जग। अब हम इसके अंदर अच्छे से चमचा चलाएंगे
और इसे अब हम तकरीबन 2-2.5 घंटा पकाएंगे। जब तक इसके अंदर अच्छे तरीके से जोश नहीं आ जाता और ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाती, आपने इसके अंदर हर 1 मिनट में चमचा चलाते रहना है। जब एक दफा इसमें जोश आ गया और ये पकना स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद इसमें कोई मसला नहीं, कोई लंप वगैरह नहीं बनेंगे। अब हमने पकौड़ों का तमाम सामान तैयार कर लिया है। ये एक आलू मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया, देखें पानी के अंदर डाला है, इसे बिल्कुल निचोड़ के डालूंगी। 3 हरी मिर्चों के साथ मैंने जो प्याज आपको दिखाई थी वो मैंने अच्छे तरीके से ग्रेटर में चला ली है, फाइन हो गई। आप कद्दूकस करके डाल लें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने मसाले इसमें डालेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट डालें, मैं नहीं डालती, अक्सर ही मैं इसके बगैर बना लेती हूँ। नमक थोड़ा सा हल्का सा बचा लूंगी क्योंकि ये बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको गाढ़ा घोलेंगे, और जब सब चीजों के साथ थोड़ा सा पानी जाएगा इसलिए इसको पहले ही आपने गाढ़ा घोल लेना है। तो देखिए मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है, अच्छा खासा गाढ़ा बनाया है। ये जितनी चीजें हैं इन सब का पानी निचोड़ के मैं डालूंगी क्योंकि ये बिल्कुल पतला हो जाएगा नहीं तो। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम तकरीबन 3-4 मिनट तक फेंटते रहेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एयर आ जाएगी और जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही अच्छे गाढ़े बनेंगे गाढ़े नहीं बनेंगे, अच्छे फ्लफी बनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से 2-3 मिनट मैंने इसे खूब फेंट लिया है, और ये देखिए तमाम चीजों के अंदर से मैंने पानी निकाल लिया है। अब ये इसके अंदर से ले जाएंगे। आपको हल्दी इसमें दिखाना भूल गई हूं कि इसके अंदर आधा चमचा हल्दी भी जाएगा। नमक चख लें और इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, अगर आपको पतला लग रहा है थोड़ा सा मिला लें इसके अंदर बेसन जो है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए इसलिए कि इसके अंदर सोडा नहीं है, तो ये बिल्कुल ठोस बनेगी। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखेंगे और चमचे से इसको डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। ऑयल मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, काफ़ी सफिशेंट ऑयल लेना है इसके लिए। और अब हम एक बड़े स्पून की मदद से 1-1 चमचा इसके अंदर पकौड़ों के लिए डालते रहेंगे। जब ये थोड़े से पकने लगेंगे तो खुद ही ऊपर आ जाएंगे और फिर हम इन्हें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे। पकौड़े अच्छे तरीके से तले जा रहे हैं, जैसे इनमें गोल्डन कलर आएगा हम इन्हें एक प्याले के अंदर निकाल लेंगे। फर्स्ट बैच में निकाल चुकी हूँ तो मैं आपको उसमें से एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए ये पकौड़ा जो है ये बिना सोडे के ही गोल बना हुआ है बिल्कुल, और एकदम नर्म है अंदर से। पकौड़े हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं, अब इन्हें निकाल के मैं एक डिश के अंदर रखती जाऊंगी और इसी तरीके से मैं तमाम पकौड़े रेडी कर लूंगी। अब मैंने क्या किया है कि जो मैंने पकौड़ों का तेल लिया था उसी में से मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल जो है वापस से कढ़ाई में डाल दिया, फ्राइंग पैन में डाल दिया। आप चाहें तो उसी कढ़ाई के अंदर कर लें। इसके अंदर हम ये लाल मिर्च डालेंगे और हल्का सा ही कड़कड़ाएंगे। जैसे ही ये फूल गई हैं इसके अंदर हम डालेंगे राई, साथ ही डालेंगे जीरा, और इसके साथ ही हम इसके अंदर फ्रेश या सूखा हुआ कड़ी पत्ता डालेंगे। हल्का सा इसे हम कड़कड़ाएंगे, स्टोव ऑफ कर देंगे और इस भगार को हम अपनी कड़ी के ऊपर डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर पकौड़े भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी अच्छा खासा है आप देखिए, लेकिन ये पकौड़े थोड़ी देर के अंदर इसको तवाम को जो है वो गाढ़ा कर देंगे। तो जब आप इसे सर्व कर रहे हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी और डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे।
हल्के से इसे मिक्स करते हैं। और हमारी पंजाबी कढ़ी जो है ये रेडी है, इसे हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार पंजाबी कढ़ी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिए। इसके अलावा अपनी राय का इजहार अपने कमेंट्स में ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।